Welcome to another practice question of trigonometry. This is the 100th question in the series, so we've hit a century today. I will strongly urge you to go back and watch the previous videos. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. Let's start solving this one. ध्यान रखिएगा, ये question जो है ये NCERT के textbook का question है. इस channel पर हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे गए सारे questions और NCERT textbook के सारे questions को solve करते हैं. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियो सॉल्यूशंस को ज़रूर शेयर कीजिए. आई होप यू डू रियली वेल इन क्लास 10th एग्जामिनेशंस. लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस वन. अभी एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 tan 30 degree अपॉन 1 plus tan square 30 degree इज इक्वल टू. एक क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है. क्यों? क्योंकि tan 30 जो होता है, tan 30 होता है 1/√3, ये हमको पता है. ठीक है, tan 30 इज 1/√3 हमको पता है. तो बस 2 tan 30 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 द होल थिंग. मैं इस वैल्यू को बस यहाँ प्लग कर रहा हूँ. द होल थिंग डिवाइडेड बाई 1 plus tan square 30, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाता है 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 plus 1/3, और ये हो जाता है 2/√3 डिवाइडेड बाई 1/4/3. अब ये बड़ा सिंपल है, इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. ये 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 4 × 3, और ये हो जाएगा 3/√3. ये 3/√3 जब इससे कैंसिल होगा तो मेरे पास एक 3/√3 बचेगा, और ये 2/4 से कैंसिल होगा तो 2 बचेगा. तो ये हो जाएगा 3/√2, एंड दिस इज़ द आंसर. अब एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा, ये एक स्पेशल चीज़ आपको बता देता हूँ कि कभी भी 2 tan theta अपॉन 1 plus tan square theta, इसकी जो वैल्यू होती है ये हमेशा tan 2 theta की वैल्यू होती है. यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में जो थीटा दिया हुआ था वो 30 degree था, तो इसकी जो फाइनल आंसर होगा इसका वो होगा ये वैल्यू होती है sin 2 theta के बराबर. ओके, sin 2 theta के बराबर. तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आती है sin of 60 के बराबर, जो कि होता है 3/2. ये एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन था जो आपको पता होना चाहिए कि sin 2 theta 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, बट बता रहा हूँ, sin of 2 theta इज़ इक्वल टू 2 tan theta अपॉन 1 plus tan square theta. तो ये थीटा 30 degree था, तो ये sin 2 theta के बराबर होता है, जो कि होता है 3/2. आई होप यू फाउंड द सोल्यूशन यूजफुल. Do like, share, comment and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries at the WhatsApp number mentioned in the description. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.